होली मिलन को खास बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इतवारी स्थित श्री वेंकटेश बालाजी देवस्थान दारस्कर गली में हर साल की तरह इस साल भी राधा कृष्ण उत्सव मंडल की ओर से गुलाब की पंखुड़ियों के साथ ही गुलाल की होली खेली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग एवं श्रद्धालु उपस्थित थे। होली पर्व को ध्यान में रखते हुए इतवारी के दारस्कर गली में श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर में अनोखी होली खेली गई। आपको बता दें कि यहां फूलों की पंखुड़ियों से सर्वप्रथम भगवान बालाजी के ऊपर पुष्प वर्षा कर होली खेली गई। आरती के पश्चात सभी भक्तों के लिए ठंडाई एवं महाप्रसाद का आयोजन भी रखा गया था। श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर में इस समय हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए थे। होली मिलन समारोह में राधा कृष्ण उत्सव मंडल का विशेष सहयोग रहा, जिन्होंने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। बीसीएन का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे नागपुर शहर में वेंकटेश मंदिर में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे फूलों से होली होती है और केसर का रंग, प्योर केसर का रंग सभी महिलाओं पे, पुरुषों के ऊपर छिड़का जाता है और ये बहुत सालों से ये प्रचलित है और पूरे नागपुर शहर के व्यापारी बंधु, बाकी जन समुदाय सभी इसमें इकट्ठा होके आनंद और उत्साह के साथ मनाते हैं। हमारे वाड़ी से आए हुए है, यहाँ पे हमारे एसोसिएशन से लोग आए हुए, राधा कृष्णा उत्सव मंडल से आए, सारे मंडल के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आके इस त्योहार का आनंद लेते हैं और हम चाहते हैं अगले साल, इस साल जब भी होए मंदिर में दर्शन करने जरूर सब लोग पहुँचे। धन्यवाद। विशेष श्री वेंकटेश देवस्थान दारस्कर रोड इतवारी वार्षिक उत्सव 54 ये अभी हमने बड़े ही धूमधाम से मनाया और उसी के पश्चात ये होली उत्सव जो फाग उत्सव के रूप में हम हमेशा राधा कृष्ण उत्सव चंग मंडल इनके साथ गत कई वर्षों से हम ये होली उत्सव मनाते आ रहे हैं। इसमें अनेकों संख्या में भक्त यहाँ उपस्थित रहते हैं। आरती के पश्चात ठंडाई, गोष्ठी, प्रसाद वितरण, उसके पश्चात इस प्रोग्राम का समापन होता है। सभी समाज के सभी धर्म से, सभी समाज से यहाँ सारे भक्तगण उपस्थित होते हैं और उनके सभी के सानिध्य में ये गुलाल और गुलाब फूलों से ये होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से हम मनाते हैं। जय शिव नारायण की। श्री वेंकटेश बालाजी का मंदिर सभी जगह नागपुर में बहुत फेमस है और हर साल करीबन 7-8 उत्सव होते हैं। इस साल होली का उत्सव, इसको हम फूलों की होली, वृंदावन की होली उस प्रकार मनाते हैं और राधा कृष्ण उत्सव मंडल का मुख्य सहयोग रहता है हरदम चंग में और खूब आनंद लेते हैं। करीबन हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं सभी कार्यक्रम में और ये अभी शाम को होली के एक दिन पहले फिक्स है ये कार्यक्रम यहाँ पर होता है शाम को और हमको बोलना भी नहीं पड़ता है राधा कृष्ण उत्सव मंडल को कि वो फिक्स 5 बजे का यहाँ टाइम रहता है और वो टाइम पर यहाँ कार्यक्रम होता ही है और सब लोग आते हैं। हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। आरती, भजन, कीर्तन के साथ ही फूलों की वर्षा का सभी लोगों ने लुफ्त उठाया। इस दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी श्री बालाजी की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। इस मंदिर में राधा कृष्ण उत्सव मंडल का विशेष सहयोग हमेशा रहता है जिससे यहां पर आयोजित कार्यक्रम की रौनक दुगनी हो जाती है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।